हेलो फ्रेंड्स, बॉटनी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। जो हमारे पास किंगडम प्लांटे हैं उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एम्ब्रियो की स्टेज एब्सेंट है या एम्ब्रियो प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमारे पास टू क्लासिफिकेशन आती है। सबसे पहले आती है एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, किस में एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, एल्गम में। दूसरी साइड हमारे पास आते हैं एम्ब्रियो फाइट्स, जिनमें एम्ब्रियो जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। एल्गम हमारे पास डिफ्रेंशिएट होता है क्लोरोफाइसिया, ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसिया, रेड एल्गी, फियोफाइसिया यानी कि ब्राउन एल्गी के बेसिस पे। वहीं दूसरी तरफ ये तो हो गया जिनमें एम्ब्रियो अब्सेंट है। जिनमें एम्ब्रियो प्रेजेंट है यानी कि एम्ब्रियो फाइट्स, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू अब्सेंट, जिनमें वैस्कुलर टिश्यू अब्सेंट है, जिनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। आगे डिफ्रेंशिएशन हो रही है फर्दर। सबसे पहले जिसमें हमारे पास वैस्कुलर टिश्यू अब्सेंट है वो है हमारे पास ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में हमारे पास आता है लीवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट, मोसिस, ठीक है। वहीं हमारे पास दूसरी तरफ आते हैं ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स में हमारे पास आते हैं दो तरह के सीड, में एक में जो हमारे पास सीड अब्सेंट है, दूसरे में हमारे पास सीड प्रेजेंट है। हमारे पास सीड अब्सेंट किस में होता है, हमारे पास ट्रीडोफाइट्स में। ट्रीडोफाइट्स में सीड जो है अब्सेंट होता है। वहीं हमारे पास सीड अब्सेंट है हमारे पास ट्रीडोफाइटा में, और सीड प्रेजेंट किस में हमारे पास स्पर्मेटोफाइटा में। अब हमारे पास ये यहाँ तक हो गया। अब स्पर्मेटोफाइटा हमारे पास दो तरह से है। तो जो हमारे पास स्पर्मेटोफाइट है वो हमारे पास होते हैं सीड जो कि नेक्ड होता है, दूसरा हमारे पास होता है सीड इंक्लोज होता है। वही हमारे पास अगर हम ट्रीडोफाइटा की बात यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा रह गया। ट्रीडोफाइटा में हमारे पास आते हैं पिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और स्फेनोप्सिडा, ट्रीडोपराइडा, ये सब आते हैं हमारे पास ट्रीडोफाइट में। और इसमें हमारे पास आते हैं नेक्ड सीड और सीड इंक्लोज। कौन कौन से आते हैं नेक्ड सीड में, किस में होते हैं हमारे पास नेक्ड सीड, जिम्नोस्पर्म में। सीड क्लोज किस में होते हैं हमारे पास, एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म की अगर हम फर्दर बात करें तो जिम्नोस्पर्म में हमारे पास क्या क्या आता है, साइकेडोप्सिडा, कोनीफेरोप्सिडा, जिनेटोप्सिडा, जिंकोप्सिडा, ठीक है। हमारे पास जो एंजियोस्पर्म होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है मोनोकोट और दूसरा होता है हमारे पास डायकोट, ठीक है। तो ये था हमारी क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम की। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।